तो कैसे हैं आप सभी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलपीयू यूनिवर्सिटी के। जी हाँ, अगर आप लोग भी डिस्टेंस से कोर्स करना चाहते हैं बिलीव का, तो यहाँ पर मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल यानी कि किस तरीके से आप लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर पूरा डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करिएगा। अगर आप लोग जरा सा भी वीडियो को स्किप करते तो पूरा प्रोसेस जो है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए ये देखते हैं यहाँ पर कैसे आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, यहां पर अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहां पर सिंपली अप्लाई कर देना है। जहां पर आपसे अपना नाम, मेल, ईमेल आईडी, फोन नंबर, स्टेट, सिटी आपको सबमिट कर देना है। और इसके आगे का जो प्रोसेस होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके आगे क्या प्रोसेस होने वाला होता है। तो सबसे पहले यहां पर हमने, जैसे कि मैंने बता दिया, बी लिव यानी कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो अगर आप लोग ये कोर्स करना चाहते हैं, तो इसकी ड्यूरेशन टोटली 1 ईयर की रहती है, मैक्सिमम 2 साल की रहती है, अगर इससे ज़्यादा करना चाहते हैं 2 साल की रहती है। यहाँ पर हम बात करेंगे प्रोग्राम डिटेल, एलिजिबिलिटी, और इसके बाद करियर प्रोस्पेक्टस की, करियर इसमें कहाँ पर है, आप इन फ्यूचर आप कहाँ पे जाएंगे, हाउ टू अप्लाई, कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर प्रोग्राम डिटेल की बात करते हैं। यहाँ पर तो आप चाहें तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि ये किस तरीके का कोर्स है और कहाँ कहाँ इसके बेनिफिट रहेंगे, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली फीस की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम फीस के लिए आ जाते हैं। तो सबसे पहले बता दूँ, यहाँ पर जो इसकी फीस रखी गई है वो यहाँ पर लगभग पर सेमेस्टर 7,500 रुपये पर सेमेस्टर रखा गया है प्रोग्राम फीस। इसकी जो टोटल फीस है वो 6,000 रुपये पर सेमेस्टर है, एग्ज़ाम फीस 1,500 रुपये पर सेमेस्टर है यहाँ पे। तो टोटली आपकी जो यानी कि 1 साल की लगने वाली है वो 15,000 रुपये, यानी कि 15,000 रुपये में आपका यह वीलिव का कोर्स कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, वहीं हम यहाँ पर आ जाते हैं नीचे की साइड में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग एनुअल पे करते हैं तो यहाँ पर जो टोटली फीस रहेगी आपकी 13,000 रुपये रहेगी। तो यहाँ पर प्रोग्राम फीस है 10,000, यानी कि कोर्स है आपका 10,000 रुपये का, और वहीं इसकी एग्ज़ाम फीस रखी गई वो 3,000 रुपये। तो यहाँ पर आपको लगभग पर सेमेस्टर, जैसे कि यहाँ पर 6,500 रुपये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दूँ बहुत ही कम रुपए में, यानी कि 13,000 रुपये में, यानी कि 6,500 रुपये के आसपास आपको पढ़ने वाला है। तो आप चाहें तो इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ये अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर काफ़ी कम रेट में बिलीव कोर्स मिल जाता है। तो वहीं हम बात करें, यहाँ पर 600 रुपये आपसे यहाँ पर नॉन रिफंडेबल फीस रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूरा समझने वाले हैं और भी इसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर पेमेंट वगैरह का भी आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। तो करियर, अब आप यहाँ पर बैंकिंग फाइनेंस में जा सकते हैं, उसी के साथ साथ एमएससी आईटी के प्रोफेशन में जा सकते हैं, उसी के साथ साथ अगर आप लोग इसके अलावा भी कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग एमलिब भी कर सकते हैं। आपको बता दूँ, अगर आप लोग करना ही चाहते हैं तो एमलिब भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा और समझा देता हूँ यहाँ पर अपने प्रोग्राम डिटेल के अंदर, कि आप लोग अगर जब भी इस कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा जो स्टडी मटेरियल है उसके लिए आपको कुछ पेमेंट भी हो सकता है देनी पड़ेगी। तो आप अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके की क्या पेमेंट रहेगी, तो आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर कैसे। सबसे पहले जैसे कि बता दिया मैंने, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है जो कि ऊपर की साइड में मिल जाएगा। उसके बाद अटैचमेंट डॉक्यूमेंट यानी कि प्रोसेस चल जाएगा आपका, मेक पेमेंट, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, और इस तरीके से आपका ये जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी कोर्स में, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपके सभी डाउट क्लियर कर दूंगा पूरे तरीके से। जी हाँ, अगर आपके कोई भी एनीबॉडी डाउट रहते हैं तो किस तरीके से एग्जाम होगा, क्या होगा, अगर आप लोग चाहते हैं उस पर भी एक वीडियो बनाई जाए, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं कि डिस्टेंस एग्जाम कैसे होते हैं और कैसे आप लोग यहां पर करने वाले हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।